शांति नगर में जहाँ पे हमारा तीसरा रोटी बैंक आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इफ्तिताह कर दिया है कि याद रहे कि हम यहाँ पे पाँच रुपए की वो रोटी फरोख करते हैं जो मार्केट में 15 या 20 रुपए की दस्तियाब है। आइए रोटी बैंक का हम आपको सर्वे करवाते हैं। और हमने ये रोटी बैंक 800 रोटी की कैपेसिटी से स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम मजीद आगे लेके जाएंगे। आइए मेरे साथ आ जाओ। आप देख सकते हैं बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, हमने थोड़े से बलून वगैरह लगा के जो है ना यहाँ पे सजा दिया है रोटी बैंक। आइए अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। आइए सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड़े वगैरह लगे हुए हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा तंदूर दिखाओ अंदर से क्या मामला है, रोटी लगी हुई है। इसके अलावा आप ये रोटी का साइज देख सकते हैं, ये आप साइज देखें आप। ये रोटी मार्केट में आसानी से 15, 18 और 20 रुपए की दस्तियाब है। वही रोटी हम लोग सिर्फ 5 रुपए की ये रोटी दे रहे हैं। हम ये सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि जो भी सफेद पोश लोग हैं वो इज्जत से यहाँ से रोटी खरीदे, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। याद रहे कि हमाद फाउंडेशन के 3 रोटी बैंक है जो की कराची में वाकई है। 5 रुपए की रोटी देते हैं, एक औरंगी टाउन सेक्टर 11 रहीम शाह कॉलोनी में, दूसरा रोटी बैंक हमारा एक मूविंग कार्ट है जो चलती फिरती रोटी बैंक है और गरीब बस्तियों में जाके रोटियां देते हैं, तीसरा रोटी बैंक हमारा ये मौजूद है जिसका आज हमने इफ्तिताह कर दिया। ये आटे पड़े हुए हैं, ये यहाँ पे लकड़ी से ये रोटी बैंक चल रहा है, ये तंदूर का हमने सारा सेटअप लगाया, ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रोटी बैंक को चलाने में ता हयात आप लोग हमारे साथ भरपूर साथ देंगे। और याद रहे कि हमाद फाउंडेशन रमजान में भी ऐसे मजीद प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमाद फाउंडेशन को रमजान में भूलेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को शेयर करें।